एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल जेआर मंत्रा। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आई होप कि आप सब अपने लेसन प्लान्स बना रहे होंगे। तो अगर आप लेसन प्लान बना रहे हो नागरिक शास्त्र का, सिविक्स का, और आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही है, सो डोंट वरी। आज का जो मैं ये वीडियो लाई हूँ ये है लोकतंत्र। इसका टॉपिक है आज का लोकतंत्र, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसके पहले मैंने आपको नगर परिषद लेसन प्लान प्रोवाइड किया हुआ है, आई होप कि आप उसे देखे होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये लेसन प्लान। सबसे पहले यहाँ पर देखिए लेसन प्लान है, इसके बाद आपका यहाँ पर पॉइंट है क्लास। आप जिस क्लास के सेक्शन में होंगे, क्लास में होंगे, यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसके बाद लेसन प्लान नंबर लिखेंगे, आपका जो भी लेसन प्लान नंबर होगा। फिर आप पीरियड लिखेंगे, क्लास का कौन सा पीरियड है आपका। इसके बाद है आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में आपका सामाजिक विज्ञान लिखेंगे और आप ब्रैकेट में लिखेंगे नागरिक शास्त्र, क्योंकि ये नागरिक शास्त्र का टॉपिक है। फिर आप देख रहे हैं स्कूल, स्कूल में आपकी टीचिंग जिस स्कूल में लगी होगी, आप उस शिक्षण संस्थान का नाम लिखिएगा। इसके बाद डेट, डेट में आप जिस डेट को आपकी टीचिंग लगी होगी आप डेट लिख लेंगे। और अवधि में आपका 40 मिनट यहाँ पर फिल होगा, 35 to 40 मिनट यहाँ पर फिल करेंगे। फिर है आपका प्रकरण, आज का प्रकरण है लोकतंत्र, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आई होप कि आपको ये लेसन प्लान ईजी लगेगा। तो देखिए आगे है आपका जनरल ऑब्जेक्टिव, सामान्य उद्देश्य। नागरिक शास्त्र टॉपिक पढ़ाने से, नागरिक शास्त्र सब्जेक्ट पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप कर पाते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी सामान्य उद्देश्य में आ जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके कुछ पॉइंट्स हैं। छात्रों को नागरिक शास्त्र के अध्ययन के द्वारा योग्य नागरिक बनने की प्रेरणा देना, छात्रों को अपने अधिकार एवं कर्तव्यों का ज्ञान कराना, छात्रों में देशभक्ति एवं विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना, छात्रों को सरकार के स्वरूप से परिचित कराना, छात्रों में नेतृत्व की भावना का विकास करना, छात्रों को विभिन्न शासन प्रणाली के प्रति निष्ठावान बनाना। तो ये हो गए आपके जनरल ऑब्जेक्टिव्स। इसके बाद है आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, मीन्स विशिष्ट उद्देश्य। आपका जो आज का टॉपिक है लोकतंत्र, तो लोकतंत्र टॉपिक पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप कर पाते हैं, यही आपका होता है विशिष्ट उद्देश्य। यहाँ पर आप कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। छात्र लोकतंत्र के सिद्धांतों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र लोकतंत्र के तत्वों का प्रतिविज्ञान कर सकेंगे, छात्र लोकतंत्र एवं राजतंत्र के बीच भेद कर सकेंगे। तो ये हो गए आपके कुछ पॉइंट्स। इसके बाद है आपका सहायक सामग्री, मीन्स टीचिंग एड्स। आपके टीचिंग के दौरान जो जो चीज़ें आपको हेल्प करती हैं टीचिंग में, ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी टीचिंग एड्स, सहायक सामग्री। तो देखिए चौक, डस्टर, शैम्पट, चार्ट, संकेतक आदि। तो ये हो गया आपके। इसके बाद है आपका पूर्व ज्ञान। अब देखिए पूर्व ज्ञान क्या है, आप जब भी बच्चों को कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं, कोई भी चैप्टर पढ़ाते हैं, तो हमेशा उनको पूर्व ज्ञान से कनेक्ट करते हैं, ताकि बच्चों को आगे की नॉलेज समझने में डिफ़िकल्टी ना हो। तो देखिए यहाँ पर पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे छात्र भारत की सामान्य राजनैतिक विशेषताओं को पढ़ चुके हैं, ये आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे कुछ ना कुछ इस टॉपिक के बारे में जानते होंगे। इसके बाद है आपका आगे प्रस्तावना, प्रस्तावना इंट्रोडक्शन। यहाँ पर आप बच्चों से कुछ ऐसे क्वेश्चन करते हैं जो बच्चों के पूर्व ज्ञान से कनेक्ट करते हों, जो बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित रखते हों, और जो बच्चों के वास्तविक ज्ञान से भी संबंध रखते हों। आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन करने हैं, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन करेंगे छात्रों हमारे देश का क्या नाम है, तो बच्चे कहेंगे भारत। इसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे भारत के प्रधानमंत्री का क्या नाम है, तो बच्चे कहेंगे श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है, तो बच्चे कहेंगे मतदान प्रणाली द्वारा। फिर आप क्वेश्चन करेंगे मतदान करने का अधिकार किस व्यवस्था में आता है, तो बच्चे यहाँ पर आंसर करेंगे लोकतांत्रिक शासन प्रणाली द्वारा। अगर बच्चे यहाँ पर आंसर दे देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं दे पाते हैं तो यहाँ पर आपका समस्यात्मक आ जाएगा। फिर अगर आंसर आपको रिसीव हो रहा है तो आप अगला क्वेश्चन करेंगे लोकतंत्र के बारे में आप क्या जानते हैं या क्या समझते हैं, तो यहाँ पर समस्यात्मक आ जाएगा। जब भी आप क्वेश्चन करेंगे बच्चों से तो वहाँ पर आपकी प्रश्नोत्तर विधि यूज होगी, और जब भी आप बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे तो वहाँ पर आपकी व्याख्या विधि यूज होगी। जब आप बच्चों को कोई अपना चार्ट दिखाएंगे या फिर कोई मानचित्र दिखाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, आपका व्याख्या विधि यूज होगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। फिर आगे आपका उद्देश्य कथन, छात्रों आज हम लोकतंत्र के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो ये हो गया आपका यहाँ तक। इसके बाद हम आगे चलते हैं, फिर आता है आपका टीचिंग पॉइंट। देखिए टीचिंग पॉइंट में आपको
दो से तीन या चार पॉइंट लिखने होते हैं अपने बीएड फाइनल ईयर लेसन प्लान में, क्योंकि आप जब बच्चों को कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो एक साथ ढेर सारा एक्सप्लेनेशन नहीं दे देंगे। आप क्या करेंगे, बच्चों को उस टॉपिक को खंडों खंडों में डिवाइड करके या पार्ट्स पार्ट्स में डिवाइड करके आप बच्चों को बताएंगे, ठीक है, कि ये सब क्या चीज़ें होती हैं, ताकि बच्चे को आसानी हो समझने में। तो यहाँ पर आपका देखिए पहला शिक्षण बिंदु है लोकतंत्र। आप सबसे पहले लोकतंत्र के बारे में बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका क्रिया है, आप बच्चों से दो से तीन और भी क्वेश्चन करेंगे, फिर आपका छात्र कथन है। जब भी आप क्वेश्चन करेंगे बच्चे आंसर देंगे, तो वहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि, जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी आगे आके आपका आएगा व्याख्या विधि। तो देखिए यहाँ पर आप क्वेश्चन करेंगे जनप्रतिनिधियों को किस प्रकार चुना जाता है, तो बच्चे कहेंगे चुनाव द्वारा। फिर बच्चों से आप क्वेश्चन करेंगे चुनाव में मतदान कौन करता है, तो बच्चे कहेंगे देश के नागरिक। इसके बाद आप स्पष्टीकरण देंगे। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है लोगों का शासन। यह ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें देश के लोगों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समान भागीदारी होती है। 18 वर्ष या उससे अधिक वर्ष के लोग अपने मत का प्रयोग करके प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं जो देश के लिए कानून बनाते हैं। तो ये हो गया आपका स्पष्टीकरण। यहाँ पर आपका व्याख्या विधि यूज हो रहा है। फिर आप यहाँ पर देख रहे हैं बीच में लिखा हुआ है छात्र ध्यान पूर्वक बैठ के सुनेंगे। मीन्स जब भी आप एक्सप्लेनेशन दे रहे होंगे तो बच्चों कहेंगे ध्यान पूर्वक बैठ के आप लोग सुनिए, ठीक है, वो लोग ध्यान पूर्वक बैठ के सुनेंगे। इसके बाद आप लास्ट में देख रहे हैं यहाँ पर ब्लैक बोर्ड वर्क है। लोकतंत्र शब्द दो भागों से मिलकर बना है। ये सारी चीज आप ब्लैक बोर्ड पर पॉइंट करेंगे, लिखेंगे, ताकि बच्चों को आसानी हो समझने में। इसके बाद देखिए आगे आता है आपका शिक्षण बिंदु सेकंड। यहाँ पर सेकंड आने के पहले आप बोध प्रश्न करेंगे। जो भी आप एक्सप्लेनेशन दिए हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन करेंगे, कोई दो क्वेश्चन। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो बच्चे कहेंगे लोगों का शासन। इसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे कितने वर्ष के लोग मतदान कर सकते हैं, तो बच्चे कहेंगे 18 वर्ष या उससे अधिक। तो ये हो गया आपके कुछ बोध प्रश्न। यहाँ पर आपका प्रश्नोत्तर विधि यूज हो रहा है। इसके बाद आपका दूसरा शिक्षण बिंदु आता है लोकतंत्र की स्थापना। विकासात्मक प्रश्न करेंगे आप, लोकतंत्र में जनता की भूमिका किस प्रकार की होती है, तो बच्चे कहेंगे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। इसके बाद स्पष्टीकरण देंगे आप, आजादी के बाद लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए देश का संविधान लिखा गया। संविधान में केंद्र एवं राज्य दोनों प्रकार की सरकारों को बनाने एवं चलाने के लिए कानून दिए गए हैं। यदि कोई भी व्यक्ति इन कानून को तोड़ता है तो उसे कानून के अनुसार सजा मिलती है। तो ये हो गया आपका स्पष्टीकरण। जैसा कि आप देख रहे हैं आपका यहाँ पर व्याख्या विधि हो रहा था और बच्चे ध्यानपूर्वक बैठ के सुनेंगे। फिर आपका देखिए नेक्स्ट पेज पे है बोध प्रश्न। अब आप क्या करेंगे, बच्चों से बोध प्रश्न करेंगे, जो भी आपने एक्सप्लेन किया है उसमें से कुछ क्वेश्चन करेंगे। लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए क्या किया गया, तो बच्चे कहेंगे संविधान लिखा गया। फिर आप क्वेश्चन करेंगे यदि कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है तो क्या होता है, तो बच्चे कहेंगे कानून के अनुसार सजा मिलती है। इसके बाद देखिए श्याम पट आपका कार्य है। यहाँ पर क्या है, जो भी आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ये सारी चीजें आप ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे ताकि बच्चे आसानी से समझ सकें। अब आप जो भी ब्लैक बोर्ड वर्क किए होंगे अब बच्चों से कहेंगे नोट करने को, ठीक है, नोट डाउन करने को बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए श्याम पट सारांश में क्या लिखा हुआ है, श्याम पट पर लिखी बातों को बच्चे अपनी कॉपी में नोट कर लें, ठीक है, ये आप बच्चों से बोलेंगे। अब निरीक्षण कार्य में आप क्या करेंगे, कक्षा अध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर कक्षा कक्षा निरीक्षण करती है। जो भी आप कहे थे श्याम पट सारांश लिखने को और बच्चे नोट कर रहे हैं, अब आप क्या करेंगे क्लास में राउंड लगा के देखेंगे कि सारे बच्चे लिख रहे हैं कि नहीं। तो ये हो गया आपका यहाँ तक लेसन प्लान और आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड वर्क भी आ रहा है इस तरीके से। इसके बाद देखिए आगे आता है आपका पुनरावृत्ति के प्रश्न। अब आप बच्चों से पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछेंगे, जैसे लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है, मतदान करने की न्यूनतम उम्र क्या है, जनप्रतिनिधियों को किस प्रकार चुना जाता है। तो आप कुछ क्वेश्चन करेंगे बच्चों से और बच्चे उसका आंसर करेंगे और यहाँ पर आपका प्रश्नोत्तर विधि यूज हो रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ तक हो गया आपका कंप्लीट। फिर आप लास्ट में दे देंगे गृह कार्य, बच्चों को होमवर्क दे देंगे, लोकतंत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखकर लाइए। तो ये हो गया आपका होमवर्क।
आई होप कि आपको ये लेसन प्लान समझ में आया होगा, आपके लिए इजी रहा होगा। तो अगर आपको ये थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो वीडियो, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर से। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Thank you.